गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विल स्टार्ट विथ अगेन द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर टुमारोज एग्जाम। ऑलरेडी वी हैव सॉल्व मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, स्टिल आई एक्सपेक्ट सम मोर प्रॉब्लम्स विल सॉल्व। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर, अ 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। सो सी हियर, there is a role of only charge. Okay, there is a role of only charge, not the distance, and directly use the formula V is equal to W upon Q. Better, only here by mistake I was in flow of writing capacitance, na? So I wrote C, actually it is Q. Q. So Q is equal to given 20 coulomb, W is given. So if I have to go from one point to another point, suppose say it is B to A. Okay, so WAB we are calculating. So it will be VB minus VA, that you are knowing. Okay, so you may recall my lecture. In that lecture, while I started with the potential, at that point I told you. So directly formula insertion is there, just to make you jumble, they have given 2 cm, otherwise the problem is okay. So if you calculate, the answer is coming 0.1 volt. We'll go for the next problem. Next problem is, if there are n capacitors in parallel connected to V volt source, then the energy stored. Now we are knowing that for parallel combination, I told you equivalent capacitance is C equivalent is N into C. Now U is equal to half CV square, you directly put that value. So you will get 1 by 2 NC into V square, and the option is also there given. Option is also given here, half N CV square. So direct you will get the answer. Third one, today I am going fast, because there is no need for explanation. They are very simple problems. Whatever as is, whatever problem I got, directly I took that problem and started solving that. I did not see whether it is means difficult, easy, much more difficult, explain nothing. I just taken the problem and started solving. If a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q, such that the system is in equilibrium. ये तो आपका topic number 1 का है, very sorry. लेकिन मैंने करके दिया है होमवर्क करके ले लो, जस्ट लाइक होमवर्क यू डू, यू हैव टू अप्लाई द कूलम्स लॉ, अप्लाई इन कूलम्स लॉ यू कैन गेट आंसर इज माइनस क्यू बाय 4। आप पूछोगे सर कैसे करना है, इस एग्जाम के लिए नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस मत दे दो, नेट फोर्स जीरो करो, ऐसा बीच वाला कोई भी पॉइंट पकड़ो। तो इस पॉइंट पे ये इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, फोर्स ड्यू टू ए ड्यू टू बी, एंड एफ दोनों भी केस में उनका एडिशन करके नेट फोर्स को जीरो बनाओ, आपका आएगा नेट फोर्स जीरो बनाओ, आंसर आपका आएगा क्यू बाय माइनस क्यू बाय 4। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर। एकदम सिंपल सा लिया है, मतलब आपको रिवीजन करने के लिए, डायरेक्टली रिवीजन किया तो वो थोड़ा बोर होता है ना, ये क्या सर वही सिखा रहे अगेन। ओके, सो इट विल बी रिपीटेड, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द प्रॉब्लम्स, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस ओके, यू आर नोइंग नाउ, इसमें क्या हो गया आपका स्पेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा इसमें से, बाकी तो आप वैल्यू इंसर्शन कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू 4πε₀r। अभी आर को 1 मीटर डालो, आर को 1 मीटर डालने के बाद अभी 4πε₀ को क्या करने का, मेरे को मालूम है, आई नो दैट द वैल्यू ऑफ वी आर पुटिंग ना, के इज इक्वल 1/4πε₀, एंड दैट वैल्यू आर पुटिंग 9×10⁹। सो इंस्टेड ऑफ 4πε₀, यू कैन पुट 1/9×10⁹। ये इसमें करना है, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 9×10⁻¹। सो 1/9
इंटू 10^-9 तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.09 इंटू 10^-10। तो आपका ऑप्शन में तो ये नहीं है, लेकिन ये 0.9 है, तो इसको 1.1 भी बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, बिकम्स इनफाइनाइट, इंक्रीजेस। ये भी, ये सब AI EEE को पूछे गए क्वेश्चन है। प्रीवियस, पहले तो JEE के पहले AI EEE था ना, तो आप कौन सा भी बुक उठा के देख लो, उसके बीच में आपको ये मिल जाएगा। ये सब AI EEE वाले क्वेश्चन है। देखो क्या होता है। ओके, ये देखो बेटा, यहाँ पे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर इंसर्टिंग द मेटल प्लेट। अभी एल्यूमिनियम फॉइल दिया है तो वो भी कंडक्टिंग है, तो इंसर्टिंग कंडक्टिंग प्लेट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या? ε0/d-t करने का, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। तो बेटा थिकनेस तो एकदम निग्लिजिबल रखा है, तो टी को आप जीरो मान सकते। तो क्या हो गया, अभी टी को जीरो मान लिया तो कुछ नहीं, अभी फिर से वो ε0/d-0। इट मीन्स दैट अगेन इट विल कम ε0/d। समझ गया बेटा? तो कैपेसिटेंस विल नॉट इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज, इट रिमेन्स अनचेंज। थैंक यू। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये रिवीजन सेशन है, इसलिए थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही करना होता है रिवीजन, फटाफट फटाफट। ये है, ए थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू, अनदर चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल इज। ये थोड़ा अपने को देखना पड़े, ये आराम से देख, हाँ अभी फास्ट नहीं होगा, आराम से। ये मैंने एक शेल, इसको ड्रॉ कर दूँ, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ आपके सामने। एक शेल ड्रॉ की, इसके रेडियस कितना दिया बेटा, आर दिया है। दूसरा एक पॉइंट कंसिडर किया है पी, वो कितने डिस्टेंस पे है, r/2 पे है। ओके, और Q तो सेंटर को है ना, यस कैपिटल Q, और स्मॉल Q जो है वो सरफेस पे है। ओके, और यहाँ पे पॉइंट P है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो P के यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा निकालना है अपने को। इट्स वेरी सिंपल नाउ। अब क्या करो, पहले V ड्यू टू दिस एंड वी ड्यू टू दिस, दोनों भी निकालो, एक को बोलो वी, दूसरे को बोलो वी डैश, दोनों को ऐड करो, आपको मिल जाएगा। करके दिखाते हैं, ये देखो वी में मतलब पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट पी, पी के यहाँ बिकॉज ऑफ क्यू व्हाट इट विल बी देयर, के चार्ज कितना क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना r/2, तो ये टू ऊपर जाएगा 2KQ/r, ये बन गया मेरा V. Now V due to small q, okay, V due to small q कैसे आएगा, V dash, उसको V dash बोलते हैं, K small q और distance कितना आएगा upon R। आप ये पूछो कि ये upon R क्यों लिया, तो ये जो surface पे है, ये जो surface पे है चार्ज, उसका potential surface पे आगे है ना, वो ऊपर है, तो अंदर शेल दिया है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट एवरीथिंग यू आर नोइंग दैट, दैट्स व्हाई डायरेक्टली इट विल कम KQ/r। एंड नाउ वी विल ऐड देम, 1 मिनट। ओके, सो वी हैव टू ऐड देम टुगेदर, आफ्टर एडिंग देम टुगेदर वी विल गेट द आइडिया। सो V+V'। सो
first this one, okay, and then this one. So what will be there? I will add them together. 2kq upon r plus ये कितना है kq upon r. So k upon r 2q plus q. नहीं तो उनका जैसा ऑप्शन दिया है वैसे उसको रीअरेंज करते हैं, ऐसे ऐसे करने से अच्छा है इसको ही करते हैं. 2q upon ये k को 4 pi epsilon naught और ये r, तो ये बन गया, ये ऑप्शन है हमारा, प्लस q upon 4 pi epsilon naught r. तो दिखने के लिए डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन एकदम इजी है. थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आइडिया. देयर इज नो एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग. आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल मालूम होना चाहिए. और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. ओके बेटा, फॉर योर एनी एग्जाम, वॉट एवर इट इज, योर CBSE एग्जाम, योर JEE, योर NEET, योर CET, वॉट एवर, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक्चुअली इट इज कंसेप्चुअल. ऑल आर द कंसेप्ट. एक बार आपको मन में समझ गया, मतलब आपने समझा है ना, एक बार बॉडी इलेक्ट्रॉन देने के बाद बॉडी को पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कन्वेंशन है ना. अगर कोई भी बोले नहीं सर मैं उसको देने के बाद निगेटिव बोलता हूँ और लेने के बाद पॉजिटिव बोलता हूँ, तो उसका कुछ गलती नहीं है ना. लेकिन वॉट एवर ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही विल स्टडी इन दैट सिनेरियो, दैट इफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इट इज निगेटिव, इफ इट इज कमिंग इट इज पॉजिटिव, सो देन दैट दैट विल बी हिज मीन्स परफेक्शन दैट इट इज लाइक दैट. सो ये कुछ चीज़ें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसको पॉजिटिव पकड़ते हैं, लेने के बाद इसको निगेटिव पकड़ते हैं, और बाद में यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना एवरी टाइम यू हैव टू कंसेप्ट. सो एवरी टाइम योर टीचर मे नॉट टेल यू हाँ हियर अभी टेस्ट चार्ज लेते हैं, वो डायरेक्टली कर देते. तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली करने के बाद आती है, दैट्स वाई समटाइम्स यू फाइंड इट डिफिकल्ट. It's not so difficult. Okay. And now you have done the good practice. That's why you are finding the problems to be very easy. So don't worry about that. Okay. Now we'll go for the parallel plate capacitor. A parallel plate condenser with a dielectric of dielectric constant K between the plates has a capacity C and a charge to a potential V volt. The dielectric slab is slowly removed between the plates and then reinserted. क्या किया देखो, एक कैपेसिटर लिया, पहले उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कुछ मटेरियल डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था, पहले ऑलरेडी किया था, उसका कैपेसिटी दिया है सी, तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, है ना. ओ सॉरी मैंने इधर सॉरी वेरी सॉरी, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी. बाद में क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, आई हैव रिमूव्ड दैट, और फिर से लगा दिया. तो क्या करते हैं, पहले एनर्जी बिफोर रिमूविंग निकलते हैं, ये तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी आएगा डायरेक्टली, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी. ओके नाउ इसको रिमूव करने के बाद, इसको रिमूव करने के बाद उसको स्लोली किया है. सो वाइल रिमूविंग, हाँ अगर उसको रिमूव ही कर देते देन देर विल बी सम डिफरेंस इन द एनर्जीज एंड देन आई वुड हैव टोल्ड दैट हाँ यस नेटवर्क इज डन, बट दे हैव रिमूव्ड एंड अगेन रीइंसर्टेड. तो अगर मैंने समझ लिया कि रिमूव करने के बाद एनर्जी, अभी देखो हाँ, यू इज inversely proportional to C. ये किससे पता चलेगा आपको, ये देखो अगर मैंने चार्ज कांस्टेंट रखा है, चार्ज तो बदला नहीं है ना, खाली डायलेक्ट्रिक एक बार रिमूव, एक बार इंसर्ट किया है, एक बार रिमूव किया है और फिर से इंसर्ट किया, तो एक बार रिमूव किया और इंसर्ट किया, इसके बीच में चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है,
इफ चार्ज इज नॉट चेंजिंग देन यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. इसका मतलब वर्क डन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. सो व्हाइल, अभी देखो सी इज प्रोपोर्शनल टू के, मतलब वंस आई विल रिमूव इट स्लोली के विल बी गोइंग ऑफ ना, के विल बी गोइंग ऑफ, सो सी विल डिक्रीज. आपको मालूम है विथ डायलेक्ट्रिक्स बढ़ता है, विदाउट डायलेक्ट्रिक्स घटता है. तो अगर मैंने रिमूव किया तो कैपेसिटर बढ़ जाए, अगर कैपेसिटर बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है तो ऑफकोर्स एनर्जी घट जाएगा. लेकिन जितना एनर्जी घटा उतना एनर्जी मेरे को देना पड़ा ना. कब देना पड़ा? जब उसको फिर से इंसर्ट किया. तो इन टोटल आपने देखा होगा, इन टोटल तो अगेन आपका एनर्जी कितना रहेगा? इतना ही रहे, जितना बिफोर था उतना ही आफ्टर रहेगा. सो आंसर विल बी नो वर्क विल बी डन इन दिस प्रोसेस. ओके ओके नाउ सो ऑप्शन विल बी ए. ओके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.